तो पिवट टेबल में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड का। जैसे कि हम जब पिवट लगाते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ, जैसे कि मैंने नेम डेटा ले लिया, मैंने यहाँ से नेम को रखा और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को उठा के रखा, रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई। अब डेटा के अंदर कुछ चेंजिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे 845 कर दिया, 854 कर दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो रिकॉर्ड चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई नया एंट्री करता हूँ, जैसे 3914 आज का डेट दे दिया हमने, और नेम जो है मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग नेम दे देता हूँ, कविराज। अब ये जो डेटा है इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रीजन कि जब मैंने पिवट लगाया था तो मैंने डेटा की सिलेक्शन की थी 3914 तक, और इसमें एक नया रो या एक एक से ज़्यादा रो ऐड हो गया है। अब एक से ज़्यादा रो ऐड हुआ है तो मुझे इसको पिवट में मैनुअली फिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे पिवट टेबल के अंदर, जैसे कल बताया था मयूरी जी ने आपको कि मैं पिवट के अंदर आऊंगा और यहां पिवट टेबल एनालाइज में चेंज डेटा सोर्स और सोर्स को फिर से दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बार बार जब भी मान लीजिए डेली बेसिस पे या दिन में कई बार अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो हर बार मुझे इस तरह की डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके कई सारे सॉल्यूशन हैं, हम वन बाय वन समझाते हैं। पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने डेटा टेबल को ऐड कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, टेबल में, या होम पे भी होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, या इंसर्ट में पिवट के बगल ही टेबल होता है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम टेबल वन हो जाता है, यहाँ पे टेबल वन की जगह पे कोई नाम भी दे सकते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप इस पे जब पिवट यूज करते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, तो क्या होता है टेबल वन लेता है, और आप अगर डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3915 करके और भी एक एंट्री की, जैसे एंट्री किया आप देखिए टेबल ने अपने आप को इंक्रीज कर लिया। एक बार ध्यान से देखिएगा कि पहले यहाँ पे ब्लैंक था, कुछ नहीं था, जैसे मैंने 3914 डाल के एंटर प्रेस किया टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो इसका यूज कर सकते हैं, इससे क्या हुआ कि अगर डेटा में कोई नया डेटा एंट्री करते हैं या डेटा चेंज करते हैं तो पिवट जस्ट रिफ्रेश करने से अपग्रेड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं और बहुत सारे केसेस में टेबल जो है अपने आप को अपडेट नहीं करता है, सो हम टेबल को यहाँ पे छोड़ते हैं। तो दूसरा तरीका है एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो आप जो पिवट लगाएंगे तो उसके लिए जहाँ आपको लगाना है उसके ब्लैंक एरिया पे आप चले जाएं और वहाँ पे आप जो है पिवट टेबल पे क्लिक करें, मतलब कि डेटा को सिलेक्ट करके पिवट नहीं लगाना है, जहाँ पिवट आपको शो करना है वहाँ पे आना है और वहां पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसमें चूज कनेक्शन को क्लिक कीजिए, और चूज कनेक्शन में क्लिक करने के बाद ब्राउज फॉर मोर पे जाए, उसके बाद जो है अपना जो एक्सेल है आपका, जो ये आपका एक्सेल है डेटा, उस लोकेशन पे आइए और अपने डेटा को सिलेक्ट कर। एंड ओपन कीजिए। उसके बाद क्या है कि पिवट हमेशा एक सीट से ही लगता है। एक मिनट,
एक मिनट, हम कुछ गलत कर दिए, मुझे इस फाइल का पाथ नहीं पता चल रहा है, तो मैं यहाँ आऊँगा इन्फो में, अच्छा इस पर ही आऊँगा, डाउनलोड में ही है, यहाँ देखिए कॉपी फाइल लोकेशन, अब बेटर है। अब मैं पिवट टेबल यूज एडमिनिस्ट्रेटर चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे मैं उस पाथ को पेज कर देता हूँ। और इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे शीट बता रहा है कि किस शीट से करना है, क्योंकि एक पिवट एक ही शीट से कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, देन ओपन, देन ओके। मैं यहाँ पे इजीली जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, नेम ही लेता हूँ, नेम भी पता चलेगा ना, नेम लिया क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैं अगर डेटा में नई डेटा एंट्री करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक नई डेटा एंट्री कर रहा हूँ और इसमें नाम मैं अलग देता हूँ, इसका नाम जो है कविराज से मैं इसका नाम देता हूँ आर के सिंह, और फिर मैं पिवट पे जाके जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आर के सिंह आ गया। तो यहाँ एक सोल्यूशन मिल रहा है कि एक्सटर्नल पिवट टेबल सोर्स का यूज आप कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा चेंज होगा तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। बट इस तरीके में भी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि आपका इसमें कॉलम का फील्ड कंसीडर नहीं करता, जैसे मैंने मान लीजिए क्वार्टर का कॉलम ले लिया, मैंने क्वार्टर वन लेके मैं ड्रैग कर दिया, अब एक क्वार्टर का जो डेटा है ये आपके इसमें अवेलेबल नहीं होगा। रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ क्वार्टर का कोई कॉलम नहीं ऐड हुआ। तो पहला है कॉलम को कंसीडर नहीं करता है, दूसरा ये आपके सिस्टम पे ही चलेगा, क्योंकि आपने जो पिवट लगाया है उसमें पाथ दिया है, वो पाथ आप ही के सिस्टम का है, हर सिस्टम पे सेम पाथ नहीं होगा, सो वर्क नहीं करेगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि हम इसमें एक काम कर सकते हैं, क्वेरी कनेक्शन में जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, इस पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे आइए, और यहां आप मैन्युअली जो रिफ्रेश करते हैं तो यहां आप सेट कर सकते हैं कि रिफ्रेश एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट बाद अपने आप रिफ्रेश हो, या फाइल जब ओपन हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, ये चीजें यहां सेट कर सकते हैं। कभी मान लीजिए फाइल का लोकेशन चेंज हुआ तो यहां से अपनी फाइल को चेंज लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मयूरी जी समझ में आया, फरहान जी समझ में आया आपको? जी थोड़ा बहुत सर, आप थोड़ा सा आगे का पढ़ा रहे हैं, जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए ना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और चीजें समझ में आ रही है, वो क्लियर हो रहा है सर, वो क्लियर हो रहा है। लेकिन एक लास्ट तरीका है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इसको मैं आगे क्लास में समझाता, बट आज मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड करती है, वो है फॉर्मूले के जरिए। तो हमारे साथ हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है। ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होता है कि वो रेफरेंस देता है, तो हमने A1 से लिया, बोला 0 रो 0 कॉलन, और इसकी हाइट में मैंने काउंट ए का फॉर्मूला लगाया, और काउंट ए के फॉर्मूले से हमने काउंट किया नंबर ऑफ रोज हैं, और फिर वापस काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और हमने काउंट किया कि कितने कॉलम्स हैं। ये पूरा डेटा यहाँ शो कर रहा है, हालांकि मैं इसको अगर हम सम के अंदर में डालते हैं तो आपको मैं समझा सकूंगा कि तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आता हूँ फॉर्मूले मेनू बार में, एबलेट फॉर्मूला। तो ध्यान रखिएगा कि ऑफसेट क्या कर रहा है, ऑफसेट सबसे पहले काउंट ए से पूछ रहा है कि कॉलम ए में कितने नंबर ऑफ सेल है जिसमें टेक्स्ट या नंबर टाइप है। तो इसने बताया 3916, फिर
ने पूछा कि रो नंबर वन में कितने नंबर ऑफ फील्ड में टेक्स या नंबर फील्ड है, तो इसने बताया सेवन। मतलब कि ऑफसेट को बोला कि भाई ए वन से आपको स्टार्ट करना है सेम रो एंड सेम कॉलम में। यहाँ पर मान लीजिए कभी कॉलम चेंज हुआ, रो एंड कॉलम चेंज करना हो तो यहाँ जीरो की जगह पे वन टू दे सकते हैं, और इसकी जो हाइट है वो 13916 और इसकी विड्थ है वो 17 है। तो इसने क्या किया, ए वन से 3916 रो एंड 17 कॉलम को पिक किया और उसका रेफरेंस दे दिया ए वन से लेके क्यू 3916 ऑटोमेटिक। बट प्रॉब्लम ये है कि ए ऑफसेट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट जो है किस में नहीं लगा सकते, पिवट में नहीं लगा सकते, डायरेक्ट पिवट में नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो इसको मुझे फ्रीज करना होगा, क्योंकि जहाँ यूज करने वाला हूँ नेमिंग मेथड में वहाँ फ्रीज ही रहता है। तो मैंने फ्रीज किया, सॉरी यहाँ से करता हूँ, मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो इसका डॉलर साइन लग के फ्रीज हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी किया और यहाँ फॉर्मूले बार में ही आता है डिफाइन नेम, डिफाइन नेम पे गया, इसका नाम मैंने डेटा रखा और यहाँ पे मैं उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया जो कि मैंने कॉपी किया, जस्ट ओके। अब मुझे जहाँ पिवट लगाना है इस फाइल में वहाँ पे जाना है और हमें करना है पिवट टेबल और यहाँ पे जस्ट हमें डेटा लिखना है और आपका पिवट लग गया। अब मैं रो या कॉलम कोई भी चेंज करूं, मेरा पिवट 100% अपग्रेड हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे यहां Q1 आ गया। Yes, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो उसको समझ जाएंगे। ठीक है बराम जी एंड मयूरी जी। यस सर, सर हमारे एक्सेल में डाटा का वो क्यूरीज वाला है नहीं ऑप्शन। तो आपके पास ये होगा कनेक्शन होगा डेटा मेनू बार में। कौन सा एक्सेल है आपका सर? 2016 वाला। हाँ तो कनेक्शन होगा वहाँ पे, कनेक्शन। यस सर है। तो देखिए अभी फरहान जी देखिए हर एक टॉपिक हर एंगल से समझना जरूरी है। हमने एक्सटर्नल पिवट टेबल को हमने आपको सबसे पहले तो बताया नॉर्मल, फिर हमने टेबल के थ्रू बताया, फिर हमने एक्सटर्नल थ्रू बताया, फिर मैंने इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी दिया। मैं डायरेक्ट ये जो अभी जो बताया मैं डायरेक्ट ये तरीके दे सकता था लेकिन क्या होता फिर इसको आप लाइटली लेते। सो फर्स्ट मैं बताता हूँ प्रॉब्लम, देन बताता हूँ सोल्यूशन, मेरी एक थोड़ी सी स्टाइल है। लेकिन एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज सिर्फ इसीलिए नहीं होता है, इसका और भी यूज है। जैसे मैं चाहता हूँ, अब देखिए मेरा जो पिवट है डेटा पी जो कि डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव है और एक्सेल यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा पिवट किसी और फाइल में लगे और मेरा डेटा किसी और फाइल में हो। इसके पीछे रीजन है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, डंप फाइल इसको बोलते हैं। वो फाइल इतने बड़े होते हैं कि जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, काफी ज्यादा हैंग होता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े ऐसे फाइलों के लिए हम उसको ओपन करके फिर उसके अंदर पिवट लगाएं तो काफी स्लो परफॉर्म करता है। तो हम क्या करते हैं उसको दूसरे एक नई ब्लैंक फाइल में उसको एज ए पिवट हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, पिवट लगा लेते हैं, देन उस पर हम अपनी पिवट वगैरह बाकी चीज करते हैं। इससे दो फायदे होती है, एक फाइल आपका अच्छा से वर्क करता है, स्लो कम होता है, कम हैंग करता है, और साथ में जो फाइल है वो सिक्योर होती है, डेटा सिक्योर होता है, आपका ओरिजिनल डेटा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, राइट। और एक्सटर्नल पिवट टेबल में आप सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही नहीं, आप एक्सेल टू एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ डॉक्यूमेंट में और अपना
एक्सेस वाला फाइल को सिलेक्ट करना है, देन ओपन। एक मिनट, इसमें कोई ये नहीं है, फाइल डेटा नहीं था। ओके, मैंने डेटाबेस वन लिया, देन ओपन, और यहाँ से हमने जो भी चाहिए सिलेक्ट लिया, देन ओके एंड देन ओके। तो इसी तरह से आप ओरिकल एंड बाकी चीजों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज फ्रॉम ओरिकल हो गया या फिर एसक्यूएल सर्वर हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पर पीसी ट्राई करना, आप ट्राई ऐसे कर सकते हैं, बट इस पर है। तो एक्सटर्नल टेबल समझ में आ गया मयूरी जी आपको? यस सर।